आराम से। I'm sorry, papa. Ah, धीरे। Sorry, यार वरुण। आराम से, पैर संभाल के। हाँ हाँ बेटा, तुम समीर का ख्याल रखो, हुँ? उसका दर्द ठीक हो जाए तब आ जाना, ओके बेटा? अच्छा, जीती रहो, रखती हूँ, बाय। किसका फोन था बहू? मेरी जिम्मेदार बहुरानी जानकी का। तभी तो इतनी खुश थी इस वक्त। सच कहूँ मीठी बा, मन की मुराद पूरी हो जाए तो खुशी तो होगी ही ना बा। आज इन तीनों बहुरानियों को घर में आए हुए पूरा एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन घर का अटूट हिस्सा बन चुकी है तीनों। जानकी घर में नहीं है तो ऐसे लग रहा है जैसे घर का कोई पुराना सदस्य अब महीनों से घर में नहीं है। अरे वो भी उतनी जुड़ गई है हमसे। वो भी कह रही थी उसे भी वहां बहुत खाली खाली लग रहा है। मेरी तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना थी कि आने वाली जो तीन बहुएं हैं वो बिल्कुल तेरे जैसी, इसमें से जो जानकी न जानकी वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अरे नहीं मीठी बा, ये तीनों तो मुझसे भी बहुत अच्छी हैं। जो मैं नहीं कर पाई वो इन तीनों ने कर दिखाया क्या? अरे कम से कम मेरी उन तीनों महारानियों के झगड़े तो कम करवा दिए। क्या बात कर रही है तू? ये तीनों इसलिए चुप हैं कि वो सोच रही है कि अपनी अपनी बहुओं पर कैसा राज करे। क्या बात है, सच कह रही हूँ। अरे मैं तो उनके सास की सास हूँ, उससे क्या वो छुपी है तीनों। अब देखते हैं ऐसे में भी लड़ाई का मौका कैसे बना लेंगी ये तीनों बहुरानियां। इस मरे टीवी पर सैकड़ों चैनल्स है लेकिन देखने वाला प्रोग्राम तो एक में भी नहीं। अभी क्या देखूं? अरे अगर मेरी तीनों महारानी में से एक भी ये देखती तो सीखती कि मसालेदार खिचू कैसे बनाते हैं। ये तो हमेशा वो फीका फीका खिचू मुझे ला कर देते हैं। अभी हल्दी डालना। मोची बा, हाँ क्या? आप टीवी देख रही हैं? वेरी गुड, चलिए मिलकर देखते हैं। मिलकर देखेंगे पर ये खीचू कैसे बनाना? मोटी बा, खीचू बनाना तो सबको आता है इस घर में। अभी वो रोहित के सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट आने वाला है, उसमें मानसी पीयूष को थप्पड़ मारेंगी। अभी के अभी तूने मेरा प्रोग्राम नहीं लगाया ना तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगी। रोहित, अरे वो रिमोट देना, रिमोट दे। रोहित, तुम्हें अपने सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट देखना है ना? लेकिन आज तुम नहीं देख सकते क्योंकि आज मोटी बा को इसी पर वो खीचू कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। मोटी बा, मोटी बा, क्या मोटी बा, ये खीचू बनाना भी कोई देखने की चीज है? लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि मशहूर सीरियल राइटर रोहित है झिकी वाला की मोटी बा,
उसके खुद के सीरियल की बजाय ये खीचू कैसे बनाते हैं वो देखती। अरे मोटी बा, देखना है तो वो देखो, सीरियल देखो, देखो कि हम लोगों को कैसे बनाते। लोगों को बना, मुझे मत बना। अरे मैं तेरी परदादी हूँ, परदादी। लगा दे मेरा प्रोग्राम, चल ला मेरा। मोटी बा, मत लगा ले, मत लगा दे। मैं मोटी हूँ ना, कौन समझता है मुझे यार? मैं मर क्यों नहीं जाती? अरे मोटी बा, खींचू के लिए आप मरने की बात कर रही है मोटी बा? अरे मोटी बा, सॉरी मोटी बा। अरे नहीं नहीं मोटी बा, देखिए देखिए, आप देखिए, आपको जो देखना है देखिए। अरे खींचू कैसे बनाते देखना है ना, देखिए देखिए, फेवरेट है ना आपका, फेवरेट चैनल देखिए। बिंदिया, ऐसा करते हैं कि मोटी बा को देखने देते हैं जो देखना है उन्हें। वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी है जरा मेरे साथ, बहुत जरूरी कुछ बात करनी है। लिख ले, ये भी सीन लिख ले तेरे सीरियल के लिए। लिखना के रोहित के सीरियल की वजह से ही रोहित के संसार में तूफान आया। मोटी बा, जा संभाल ले उसे, समझा दे, हैं? जा जा। इंदिया, मैं तेरी सास की सास की सास हूँ, समझी? बिंदिया, बिंदिया, तुम तो रूठ गई यार बिंदिया। तो क्या करूँ, खुशी से नाचूं? तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारा सीरियल देखना कितना पसंद है, लेकिन तुमने तुमने उनको वो खींचू चला कर दे दिया। तुमने सुना ना मोटी बा ने क्या कहा बिंदिया? वो क्या क्या बोल रही थी, मैं क्या करता फिर? तो अब तो करो, जाओ जाकर एक नया टीवी सेट लेकर आओ, हम अपने कमरे में लगाएंगे, ठीक है? क्या कहा, घर से बाहर निकलवाओ क्या? देखो बिंदिया, जी काका ने इस घर के लिए जो भी उसूल बनाया है, जो भी नियम बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है। जैसे घर का खाना एक जगह बनेगा, सब लोग एक साथ बैठ के खाएंगे, ठीक उसी तरह घर में सिर्फ एक ही टीवी होगा और वो भी हॉल, ताकि उसे देखने के बहाने कम से कम हम एक दूसरे की शक्ल तो देख पाएंगे रोज। देखो बिंदिया, ये जो जॉइंट फैमिली में ना ऐसी कई छोटी मोटी बातों पर समझौता करना ही पड़ता है। मान लो अगर हर कोई अपनी मनमानी करेगा तो सबकी जिंदगियां बदल जाएंगी, एक साथ रहते हुए भी हम कभी एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे। रोहित, मैंने सिर्फ एक टीवी की बात करी है, तुम तो और। विद्या, विद्या तुम बड़ी हो गई हो, शादीशुदा भी हो, समझी? ये टीवी के अलावा और भी जिम्मेदारी है तुम पर। टीवी छोड़ो, फिल्में देखो 70 mm पे थिएटर में। सिनेमा की दो टिकट लाया हूं एडवांस करवा के। तुम्हारा फेवरेट एक्टर है इसमें ऋतिक। टनन 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 टनन। अरे तुम कितने अच्छे हो। अरे इतने में ही मान गई? हाँ, कैसे नहीं मानती, कल के एपिसोड में अंजलि ने भी अमर के साथ ऐसा ही किया था, वो भी मान गई थी, इसलिए मैं भी मान गई। थैंक यू। तुम एक एपिसोड नहीं हो बिंदिया, पूरी डेली सोप हो तुम।
समीर बेटा, आज तो किसी तरह तू बर्बाद होने से बच गया, पर अब कल का क्या? कल क्या करेगा तू? वो ऑफिस से नए पेपर्स ले आएंगे और फिर तूने ये जो पैर टूटने का नाटक कर रखा है उसके वजह से वो तुझे दूर किसी कोने में बैठा देंगे। तू लात मार के कॉफी भी नहीं गिरा पाएगा पेपर्स पे। समीर, कल सुबह होते ही तेरे सारे सपने टूटने वाले हैं। तू बर्बाद होने वाला है बेटा, तू बर्बाद होने वाला है। नहीं, तू बर्बाद नहीं हो सकता। कुछ सोच, कुछ कर समीर, कुछ कर, कोई चक्कर चला। अगर किसी तरह वो पेपर्स ऑफिस से चुरा लिए जाए तो नए पेपर्स बनाने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा ही, और उसी वक्त में तू ससुर जी को पटा के अपना काम बना सकता है। और कुछ नहीं हुआ, तू जानकी से बात कर सकता है। पर इस सब के लिए वो पेपर्स चुराने होंगे। कहाँ ढूंढूं ये पेपर्स? मेरे प्यारे बुड्ढे ने पता नहीं पेपर्स कहाँ रख दिया। ढूंढ बेटा समीर, ढूंढ, नहीं तो ये पेपर्स अगर नहीं मिले तो सारी प्रॉपर्टी उस वरुण के हाथ चली जाएगी और तेरे हाथ में रह जाएगा सिर्फ कटोरा। ढूंढ बेटा, ढूंढ, नहीं तो फकीर बन जाएगा तू।
पर बताओ तो इतनी रात और वो भी इस तरह यहाँ आने की क्या जरूरत थी? शारदा महिला आश्रम की फाइल पापा जी के टेबल तक पहुंच चुकी है, लेकिन अगर ये फाइल पापा जी के हाथ लग गई तो जानते हो क्या होगा? तू तो मरा समीर, अब ये वरुण फाइल उठाने के लिए झुकेगा और तेरा बैंड बजेगा। शारदा महिला आश्रम की फाइल। एक्सलेंट। अभी ये फाइल पापा जी के टेबल पर कभी नहीं पहुंचेगी। चलिए, हमारा काम तो हो गया, चलें। बेटा समीर, ये वरुण तो तुझसे भी बहुत बड़ा झोल मास्टर है। ये ससुर जी की प्रॉपर्टी के साथ कोई बहुत बड़ा झोलझाल करने वाला है। और ये शारदा आश्रम की फाइल इतनी रात को यहां ढूंढने क्यों आया था? क्या हो सकता है उस फाइल में यार? क्या? अरे कुछ तो मदद करो बच्चे की, कोई तो हिंट दो। ये तो शारदा महिला आश्रम का लेटर हेड है। बेटा समीर, तू लेने तो यहाँ अपनी कमजोरी आया था, पर लगता है तेरे हाथ आ गई है वरुण की कोई बहुत बड़ी पोल। कौन जाने वरुण का ये राज तेरी दूसरी सबसे बड़ी करोड़ों की लॉटरी बन जाए, पर ये तो वहीं जाके मालूम होगा। मुझे आज ही इस महिला आश्रम जाना होगा, आज रात ही।